रेलवे टेक्नीशियन की 9144 पदों पर वैकेंसी निकाल दी है। अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वह होता है जोन सेलेक्ट करने का। किस जोन से फॉर्म अप्लाई करें, कहां पर कितनी मेरिट जाएगी, कहां पर लो मेरिट जाएगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लोग बार बार कमेंट में आके पूछते भी रहते हैं, और साथ ही यह भी पूछते हैं कि मेरिट पिछली बार जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें कितनी मेरिट गई थी। तो इन सब सवालों का जवाब आज मैं लेकर आया हूँ। कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जिससे आपको जोन सेलेक्ट करने में भी आसानी होगी। मैं पहले जोन को तीन भागों में डिवाइड किया हूँ। पहला जोन एक सेफ जोन है, दूसरा मैं डेंजर जोन में रखा हूँ, और एक एवरेज जोन में रखा हूँ। ये सारे जोन में बताऊंगा कि आपको कौन सा सेफ जोन पड़ेगा, कौन सा डेंजर जोन में आता है और कौन सा एवरेज जोन में आता है। तीन जोन होंगे आपके, तीन जोन को मैं डिवाइड किया हूँ। और साथ ही मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरिट जो है वह टेक्नीशियन की पिछली बार 2018 में कहाँ पर कितनी गई थी। सबसे पहले मैं बात करूंगा चेन्नई में। मैं दो जगह की बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी मेरिट जाती है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ, जो मेरिट ये फाइनल मेरिट होती है, इसके बाद डीपी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। लेकिन जो ये मेरिट बनती है वह नॉर्मलाइजेशन के बाद बनती है। अब काफ़ी लोग सोचते हैं जितना दिख रहा है, जितने मेरिट गई है, क्या उतना ही नंबर हमको लाना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मलाइजेशन जब होता है, मान लीजिए मान आपने 63 नंबर पाया, नॉर्मलाइजेशन के बाद 10-12 नंबर कई बार बढ़ जाते हैं, तो उसे नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है। जैसे किस शिफ्ट में पेपर कैसा आया है, हार्ड आया है, इजी आया है, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। मेरे दोस्त ने खुद देखने वो पाया था 61 नंबर, बाद में उसका 72 हो गया था। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मेरिट बनती है वो चीज़ रेलवे ने रिलीज किया, वो चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कितना गया था। चेन्नई में जो था वह फिटर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फिटर ट्रेड का जो था, फिटर की जो वैकेंसी थी उसमें जनरल कैटेगरी की गई थी 45.7, इतनी मेरिट गई थी, और ओबीसी की 44.7 गई थी। तो आप लोग समझ सकते हैं बहुत हाई मेरिट नहीं थी, ठीक ठाक मेरिट थी। तो आप लोग इसको थोड़ा सा बहुत हार्ड मत समझिए, काफ़ी लोग डर रहे थे कि मेरिट 90 जाती इतनी जाती, वो 90 भी जाती है, लेकिन किस में जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैं अभी बता रहा हूँ, जो अभी आप लोगों को जो जानकारी दे रहा हूँ ये है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। तो जो अगली आपको बता दूँ, ये जनरल की मैं बता रहा हूँ, ओबीसी की 44.7 गई थी, एससी की जो थी वो 33.8 गई थी मेरिट, और एसटी की 37.7 गई थी, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की जो थी वह गई थी 56.7 जनरल की, ओबीसी की 54.8, एससी की 47.9, एसटी की 49.59 ये मेरिट गई थी यहाँ पर चेन्नई में। और सिग्नल का जो है, अब सिग्नल का मैं आप लोगों को बता दूं, काफी लोग जो 12th पीसीएम ग्रुप से हैं वो सिग्नल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, इसलिए इसमें हाई मेरिट जाती है। आईटीआई वाले भी अप्लाई करते हैं और जो पीसीएम ग्रुप से हैं वो भी अप्लाई करते हैं, इसलिए इसमें मेरिट जो है वो हाई चली जाती है। इसमें मेरिट जनरल की गई थी 83.3, ओबीसी की 80.9, और एससी की 72.8, और एसटी की 70.0, इतनी मेरिट गई थी ये सिग्नल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल की। इसमें पीसीएम ग्रुप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो 12th से है वो लोग अप्लाई कर पाते हैं, इसलिए इसमें मेरिट थोड़ा हाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 83 नंबर लाना है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना नंबर है। और प्रयागराज का मैं आपको बता देता हूँ, प्रयागराज में कितनी मेरिट गई थी, उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जो चेन्नई है वह थोड़ा आउटसाइड में आता है, प्रयागराज जो है वो मिड में है, और यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ की जो मेरिट है वो थोड़ा हाई जाती है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फिटर की जो थी वो जनरल की 59.0 थी, ओबीसी की 58.2 थी, और एससी की 43.5 थी, और एसटी की 49.3 थी। इसी तरह इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की जो थी, जो इलेक्ट्रिशियन है उनकी जो गई थी वो 68.2 थी जनरल की, और ओबीसी की 68.2 थी, दोनों की 68.2 ही थी, और एससी की 59.7 थी, एसटी की 54.5 थी। ये मेरिट गई थी प्रयागराज की। सिग्नल डिपार्टमेंट जो है वो जिसमें पीसीएम ग्रुप वाले अप्लाई करते हैं उसमें 90.7 जनरल की, ओबीसी की 88.0 गई थी, और एससी की गई थी 81.9, और एसटी की गई थी 77.2। तो ऐसी मेरिट जाती है नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये मेरिट है लगभग। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मेरिट कितना जाती है, पढ़ाई उस हिसाब से आप लोग कीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ जोन आपको सेलेक्ट कौन सा करना है, कौन सा बेटर पड़ेगा, वो मैं लिख के रखा हूँ आप लोगों को।
पहला तो मैं बता दूं, जो डेंजर जोन है, सबसे खतरनाक जो जोन आते हैं वो कौन कौन से हैं। मुंबई में सबसे ज़्यादा सीट है, 1132 सीट है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की और 152 सीट है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की, तो इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे, और फॉर्म भी मुंबई में बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, इसलिए भी इसको मैं डेंजर जोन में रख रहा हूँ। तो ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे हाई मेरिट जा सकती है, यहाँ पे लड़के ज़्यादा जाएंगे। साथ ही प्रयागराज भी डेंजर जोन में आता है, यहाँ पे स्टूडेंट स्टडी करते हैं, तो काफ़ी लोग जो काफ़ी मेहनत करते हैं लड़के, वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, काफ़ी टैलेंटेड अपने को मानते हैं ज़्यादा, वो लोग सोचते हैं कि मैं यहीं पर रहूँगा, यहीं पर होगा तो ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा डेंजर जोन मानता हूँ मैं। और इसमें 207 सीट है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की, 131 सीट है जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की। पटना भी डेंजर जोन में, आप लोगों को पता है बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाले, काफ़ी ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा हैं स्टडी करने वाले, तो पटना में भी बहुत भर भर के फॉर्म पड़ेंगे, ये भी डेंजर जोन में मानेंगे हम। 210 सीट टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की है और एक सीट है जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की है, तो ये जो है मैं डेंजर जोन में रख रहा हूँ। और बाकी आपको सेफ जोन की बात कर लेता हूँ, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही ऐसा सत्य होगा, लेकिन मैं जहाँ तक स्टडी किया हूँ, मुझे जहाँ तक पता है, तो ये सारे जो है जोन वो सेफ जोन में आएंगे। चेन्नई मैं सेफ जोन में रख रहा हूँ, यहाँ पर 785 सीट टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की है और 48 सीट है जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की है। जम्मू एंड श्रीनगर में 256 सीट है और 35 सीट है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की, ये जो है सेफ जोन मैं मान रहा हूँ। त्रिवंतपुरम भी सेफ जोन है, 248 है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की 30 पोस्ट है। तो ये तीन जो जोन है वो मैं आपको प्रेफर करता हूँ, यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर तक ये मेरी वीडियो जा रही है तो काफ़ी लोग अप्लाई करेंगे, इससे भी फर्क पड़ेगा, तो आप लोग देख लीजिए, ये मैं तीन जोन आप लोगों को प्रेफर करता हूँ, लेकिन ये दावा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग इसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, आपका पर्सनल राय हो सकती है। जो एवरेज जोन में रखा हूँ वो मैं अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भुवनेश्वर, चेन्नई, चंडीगढ़, गोरखपुर, कोलकाता, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी, सिकंदराबाद, ये जो है मैं एवरेज जोन में रख रहा हूँ, ये ना बहुत डेंजर में है ना बहुत ज़्यादा सेफ जोन में है, यहाँ पे फॉर्म अच्छे खासे पड़ेंगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं बताने की कोशिश जरूर करूँगा।